Hello students of class 5, I hope you all are fine, and today I would like to teach you next lesson, and that is the sour grapes. Before this we have done the exercise of Robinson Crusoe, and this is the next topic, sour grapes. Students, look at the picture. Here is a picture of the fox, and it's a vineyard, and the few bunches of grapes you can see on the picture. So ye jo story hai, it's also written in the Urdu ki jo book hai, aapki grammar hai, usme bhi aapko milegi. So it's a story, but they have written in the writer has written in the poem. तो मैं अभी मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगी. तो मे बी यू नो द स्टोरी वेरी वेल, पहले से आप इस स्टोरी के बारे में जानते हो, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको वो स्टोरी याद आ जाएगी. हेयर आर द वर्ड्स टू नो, मीन मिजरेबल एंड पुअर एंड पावर. हेयर अपोस्ट्रोफी इज यूज, दैट इज पावर. एंड रेनार्ड, नेम ऑफ फॉक्स इन अ फ्रेंच फेबल्स. हेयर जो फॉक्स का नाम है उसने रेनार्ड जो है वो उसको दिया है. थ्रो थ्रू टिस इट्स वाइन अ ग्रेप प्लांट. नाउ आई विल रीड फॉर यू एंड डिस्क्राइब द पोएम. अ फॉक्स वॉज ट्रोटिंग ऑन वन डे. एक फॉक्स जो है वो एक दिन आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी या चल रही थी. एंड जस्ट अबाउट हिज हेड, और अचानक से उसके सर के ऊपर, ही सॉ अ वाइन विद द लवली ग्रेप्स. उसने जो है वो ग्रेप्स देखी, वाइन ग्रेप्स देखी, एंड रिच राइप एंड पर्पल रेड. तो जो जो फ्रूट बिल्कुल पक जाता है तो उसको हम रिच फ्रूट कहते हैं. रिच से मुराद ये है कि मज़े से भरपूर, टेस्ट से भरपूर, और पका हुआ, राइप पका हुआ, एंड पर्पल रेड, इट्स कलर इज पर्पल रेड. ईगर ही ट्राई टू स्नैच द फ्रूट. ईगरली यानी बहुत बेचैनी से या बेताबी से, ही ट्राई टू स्नैच, इसको हासिल करने की कोशिश की उस फ्रूट को. बट आ, इट वॉज टू हाई. लेकिन उसने कहा कि ये आ, इट्स वेरी हाई. वो जो उसको बंचेस ऑफ वाइन थे, दे वर वेरी हाई, एंड ही वॉज अनेबल टू रीच दैट बंचेस. पुअर रेनार्ड हैड टू गिव इट अप. अब पुअर, उसको किस लिए बच्चों कहा है कि पुअर से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि वो बहुत गरीब था, यहाँ से मुराद ये है कि वो बेचारा, उसकी हेल्पलेस कंडीशन को बयान किया गया है कि जब आप कुछ हासिल करना चाहें, कोशिश करें, लेकिन आप हासिल ना कर पाएं, ऑन दैट सिचुएशन तो आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं. लाइक दिस पुअर रेनार्ड हैड टू गिव इट अप. गिव इट अप यानी उसको फिर इस एफर्ट को या इस कोशिश को छोड़ना पड़ा. ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, बट आफ्टरवर्ड्स ही हैड टू गिव इट अप. उसको ख़त्म करनी पड़ी ये कोशिश. एंड हैविंग अ डीप साय, लेकिन एंड में उसने बहुत डीप साय, अपने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक बहुत आह भर के उसको देखा. ही कर्ल हिज नोज एंड सेड, जाते वक्त उसने अपने नोज को बेंड किया, कर्ल किया पीछे की तरफ, और देखा एंड सेड, डियर मी, आई वुड नॉट वेस्ट एन आवर अपॉन सच मीन एंड कॉमन फ्रूट्स. जब वो उसको हासिल नहीं कर सका तो फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन ही सेड दैट दीज आर वेरी कॉमन फ्रूट्स एंड मीन. इट मीन्स दे आर नॉट सो गुड एंड दे आर नॉट वेरी रिच एंड इम्पॉर्टेंट लाइक द अदर फ्रूट्स. तो उसने कहा कि दैट्स अ वेरी कॉमन फ्रूट्स, ये एक आम सा, बिल्कुल मामूली सा फ्रूट है, तो आई शुड नॉट वेस्ट आवर माई वन आवर. आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर श्योर, और मुझे श्योर है, मैं ये यकीन रखता हूँ कि अगर मैं इस तक नहीं पहुँच सका, इट मीन्स दे आर नॉट गुड एंड दे आर सोर, यानी खट्टे हैं. इन दिस पैराग्राफ देर इज द मेन थीम एंड मैसेज ऑफ द पोएम, एंड लिसन इट केयरफुली. टिस थस वी ऑफन विश थ्रू लाइफ
when seeking wealth and power, and when we fail, say, like the fox, we are sure the grapes are sour. इसी तरह से बच्चों दिस लास्ट पैराग्राफ हैज अ वेरी क्लियर मैसेज कि राइटर वॉन्ट्स टू शो. इसी तरह से जब हम अपनी लाइफ में वेल्थ के लिए, पावर के लिए, जो प्रॉस्परस होने के लिए या सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा सीकिंग या कोशिश कर रहे होते हैं, एफर्ट्स कर रहे होते हैं, तो जब कभी हमें फेलियर का सामना हो या हम कामयाब ना हो सके, तो देन वी शुड से लाइक द फॉक्स वी आर श्योर द ग्रेप्स आर सोर. इट मीन्स कि हमें भी गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि वी शुड मूव ऑन, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और इस एक पॉइंट को लेकर हमें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन. तो राइटर नेम इज नॉट मेंशन, इट्स एनोनिमस. सो दिस वॉज द मेन थीम एंड रीड इट केयरफुली. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन आई विल वुड लाइक टू हेल्प यू अगेन. And at the next lecture, we will do the exercise. Thanks a lot.